नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर ने उगला जहर। अमेरिका और भारत को दिखाई पाकिस्तान के परमाणु बम की हेकड़ी। मसूद अजहर का दावा, मुझे पाने के लिए भारत ने तालिबान को दिया था पैसों का ऑफर। मथुरा हिंसा के सरगना रामवृक्ष को आर्थिक मदद का खुलासा। उड़ीसा और झारखंड में नक्सली समूहों से मिलती थी मदद, रामवृक्ष की पर्सनल डायरी से मिली जानकारी। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। ब्रह्मपुरी इलाके में मां और दो बेटियों की हत्या। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जंगल राज। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान के नारे। छावनी में तब्दील हुआ अमृतसर, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। डैनिश महिला गैंगरेप मामले में 30,000 कोर्ट का फैसला, पांचों आरोपियों को ठहराया दोषी। 9 जून को होगा सजा का ऐलान। श्रीनगर जेल भेजे गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक। समर्थकों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी से मारपीट का है आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और जैश चीफ मसूद अजहर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे हाफिज ने अमेरिका और भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के हवाई अड्डों पर ड्रोन तैनात कर रहा है जिससे पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने ड्रोन से भारत पर परमाणु हमले करेगा। वही जैश चीफ मसूद अजहर ने यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह का जमकर मजाक उड़ाया। मसूद अजहर ने दावा किया कि 1999 में कांधार हाईजैक के दौरान विमान के यात्रियों और क्रू की अदला बदली के बाद भारत ने तालिबान सरकार को पैसों का ऑफर दिया था ताकि वो मसूद और उसके दो अन्य साथियों को पकड़कर उसके हवाले कर दे। अजहर ने कहा कि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने ये ऑफर तालिबान के चीफ मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर को दिया था जो पिछले महीने अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। और अब अगली खबर मथुरा से, जहां हिंसा के सरगना रामवृक्ष यादव के संगठन की आर्थिक मदद कौन कर रहा था, ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। रामवृक्ष की पर्सनल डायरी पुलिस के हाथ लगी थी जिसमें ये पता चला है कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बैठे नक्सली संगठन रामवृक्ष की आर्थिक सहायता कर रहे थे। रामवृक्ष के माओवादियों से संबंध होने की बात पहले भी सामने आई थी। ऐसे में ये डायरी इस बात की पुष्टि करती है कि रामवृक्ष के संगठन का नक्सली कनेक्शन था। इस डायरी में पूरा लेखा जोखा लिखा है कि कहां से किस संगठन ने कितनी मदद दी थी। फिलहाल पुलिस डायरी को खंगालने में जुटी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि डायरी से कई और राज सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि रामवृक्ष और उसके कार्यकर्ताओं ने जवाहर बाग में सरकारी जमीन पर 2 सालों से कब्जा किया हुआ था। जब पुलिस यहां से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी तो अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला बोल दिया था और इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, साथ ही 24 उपद्रवी मारे गए थे जिनमें रामवृक्ष की भी मौत हो चुकी है। और अब अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जो रविवार को ट्रिपल मर्डर से दहल गई। वारदात उस्मानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके की है जहां 50 साल की सैरा के साथ उसकी दो बेटियों शबनम और निशा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ा तो तीनों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या के पीछे आखिर कौन है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में पूरी तरह जंगल राज है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल नजीब जंग को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में पूरी तरह जंगल राज है, उपराज्यपाल और मोदी जी बुरी तरह विफल रहे। यहां कानून एवं व्यवस्था की गिरती हालात को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। प्रशासन और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दल खालसा के उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में जुटे और नारेबाजी की। दल खालसा की तरफ से आज बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर में दरबार साहिब के अंदर सिविल ड्रेस में 150 सुरक्षा कर्मी और SGPC की अपनी टास्क फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में डेनमार्क महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 30,000 कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें से 3 नाबालिग थे और 1 की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
दोषियों की सजा का ऐलान 9 जून को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ही होगा। आपको बता दें कि साल 2014 की शुरुआत में डैनिश मूल की 52 साल की महिला के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रेप हुआ था। और अब अगली खबर श्रीनगर से, जहां अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पुलिस कर्मियों पर हमला करने को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। यासीन ने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस कर्मी के साथ मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि जमीन आवंटन के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ यासीन और उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो यासीन ने पुलिस कर्मी पर ही हमला बोल दिया। ये तस्वीरें मीडिया के कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।